जय जोहार, नमस्कार। मैं सुदामा वर्मा, वो आप मन देखा तो छत्तीसगढ़ टीवी संगवारी हो। आज हमन है एक धान के बहुत बढ़िया खेती में खड़े हन। ये है नाथ कंपनी के 2020 धान, हरे नाथ के 2020 वैरायटी, जिन बहुत बढ़िया ढंग से बाली छाड़े है। और उम्मीद करत हूँ कि ये जिन फसल है, जितना उम्मीद करे है ओकर से तो एक कुंटल ऊपर ही उत्पादन मिल ही। तो आवाओ एकर जिन खेती करे है वो किसान भाई से मुलाकात करथन और जानथन कि ये 2020 धान की खेती वह कौन ढंग से करे। नमस्कार भैया। नमस्कार। आप मन के बहुत बहुत स्वागत है हमारे छत्तीसगढ़ टीवी में। तो ये जन खेती होवत भी है, आप मन है बताया हुए नाथ कंपनी के 2020 है ना। हाँ, हाँ। तो एकर खेती आप मन पहली बार करे हो कि एकर पहले भी कर चुके हो? धान की खेती तो पहली से करत थे, लेकिन ये वाले वैरायटी इस साल लगा है। अच्छा, तो का कहने कंपनी वाले मन के ये धान के वैरायटी लेके का उत्पादन मिल रही है? ये में वही 25 से 30 क्विंटल बता है कंपनी वाले मन है। अच्छा, प्रति एकड़। हाँ। तो ये में बीमारी उमारी प्रकोप के बारे में कहा है, कैसे है? नहीं, अभी तो नहीं के बराबर है। अच्छा, मतलब कोई भी प्रकार के बीमारी नजर नहीं आए? नहीं नहीं। तो एक सामान्य जिसे आप मन है जो दूसरा धान के हमन खेती करते हैं वही ढंग से करे हो कि कुछ विशेष एमे अलग प्रकार के में कुछ खाद वाद डाले? नहीं नहीं, सब सेम वही है। अच्छा, तो का तरीका का रही से शुरुआत से बताओ ना, किसी ढंग से मतलब एक रोपाई करे हो कि ये परहा हरे कि रोपा हरे का हरे? ये ओनारी हरे। अच्छा, ओनारी हरे। तो ओनारी में कतेक किलो लगे है, कुछ आइडिया है भैया में? ये लगभग 40 किलो के आसपास। अच्छा, एक एकड़। एक एकड़ में। तो ओनारी में कुछ खाद वाद डाले हुए में? ओनारी में डीएपी पोटास। अच्छा, बस यही सब रीस वही डले हैं। हाँ। अब ओकर बाद फिर और कौन कौन से खाद डले? बाद अपन यूरिया में प्रवर्धक मिक्स करके डाले हैं। अच्छा, ये प्रवर्धक का चीज है? प्रवर्धक है जो जड़ के फैलाव ज्यादा करते, माइक्रोराजा। अच्छा। हाँ। तो ओकर अलावा और कौन कौन से खाद चले हैं? ओकर अलावा फिर डीएपी यूरिया और धनजाइम गोल्ड। अच्छा, ये सब चीज डाले हो? हाँ। तो बीमारी में का लगे भैया एक बार? तो जिससे सामान्य दूसरा धान मन में बहुत फंगस के बीमारी बहुत लगे है ना, तो इमे एको बार कुछ उषण टाइप के मतलब बीमारी अभी तक के कुछ नजर आ है? नहीं नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं आ है। एक भी बारे में कोई बीमारी नहीं लगे है? नहीं नहीं, मतलब कहना चाहिए बीमारी मुक्त धान अपन बोल सका था नीला। हाँ। है ना, सामान्य स्तर में अब हो सका थे, बहुत ज्यादा अगर ग्रसित रही आजू बाजू है तो हो सकते लग भी जही। हाँ। लेकिन अभी तक के भी बीमारी नजर नहीं आए है ना, जिसे अपन सरना धान मन में लगते। हाँ। उसन टाइप के कोई बीमारी हमें नहीं लगे है? नहीं नहीं। अच्छा, तो अब का विशेषता है धान के आप मन के हिसाब से? विशेषता तो एक बाली है थोड़ा लंबा है। हाँ हाँ। बाकी अन्य धान से बाली बहुत बढ़िया छाड़े है में। हाँ, है ना। हाँ। एकदम जिसे और जो हाइब्रिड वगैरह धान रहते जो कल्ला है वो भी ज्यादा निकले है में। अच्छा, ज्यादा कल्ला आया है। अच्छा, बहुत बढ़िया नजर आता भी है वाकई में धान जिन है बहुत बढ़िया है। और सबसे अच्छा बात ये लगत है कि ये में अभी तक एक भी बार कोई भी प्रकार के बीमारी ये में नहीं संच रहे का हाथ हो, ये बहुत कमाल के बात है। नहीं तो दूसरा धान जिन बोबे वो में तो बहुत ज्यादा बीमारी लगते। तो ये में महू अहू के अटैक अभी चूंकि अब तो अटैक नहीं है, तब भी से हमन डाल दे हैं दवाई। अच्छा, महू वगैरह के लिए ताकि बाद में पछताए की जरूरत मत पड़े। महू है अपन, मकड़ी है। हाँ, मकड़ी। मकड़ी और कीटनाशक इनमें डाल चुके हैं। अच्छा, तो उकर मन के कौन कौन से दवाई चला हो कुछ ध्यान है? मकड़ी के लिए है अपन अकियो करके है। हाँ। नचिनो कंपनी के। नचिनो के। हाँ हाँ। और पायोमेट्री जाम। अच्छा, ये डाले हैं महू के लिए। हाँ हाँ। और विक्की करके है, इंसेक्टिसाइड है वो। अच्छा, कीटनाशक। हाँ। तो ये सब दवाई आप मन डाल डाले है ना। हाँ। तो चलो बहुत बढ़िया भी है, आप मन के धान ल देख के तो दिल खुश हो गए। उम्मीद करत हूँ आप जतका बताओ होकर से कुछ ज्यादा उत्पादन मिले। हाँ। यही उम्मीद और आशा विश्वास के साथ में आज के वीडियो ला यही मैं समाप्त करत हन। जय हिंद, जय जोहर।